अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ अगली वीडियो के साथ। इसमें हम बात करेंगे साइप्रस के, साउथ साइप्रस के मुतल्लिक कुछ बातें, और कुछ बातें होंगी नॉर्थ साइप्रस के मुतल्लिक। तो शुक्र है टन टन बंद हुई, तो लास्ट तक वीडियो देखें इंशाल्लाह। काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से चैनल से आउट थे, तो इंशाल्लाह इसके बाद रेगुलर वीडियोज़ आया करेंगे। इंशाल्लाह चैनल के साथ बने रहें, और चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आपको पता है अभी डेट हो गई है, 11वां महीना है। 11वें महीने में इधर साइप्रस के अंदर, या आप ये देख सकते हो पीछे, ये बहुत बड़ा होटल है, पर ये भी इस वक्त खाली है। अभी सीज़न फिनिश हो गया, सीज़न इधर फिनिश हो जाता है 4-5 नवंबर को, पर इस वक्त टाइम ऊपर हो गया, तो जो थोड़ा बहुत था वो भी फिनिश है। थोड़ा बहुत रश बड़े सिटीज़ में है, क्योंकि मैं लारनाका और लिम्मा सोल का चक्कर मेरा लगता रहा है, उधर मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा, ख़ासकर वीकेंड पर तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रश उधर उन सिटीज़ में पाया जाता है, क्योंकि उधर 12 महीने का काम है, बड़ी सिटीज़ हैं, तो उधर तो रश होना बनता है, लाजमी है। इसके अलावा बात करते हैं हम इधर के हालात के बारे में। रेफ्यूजी की बात करें तो रेफ्यूजी के वही चक्कर हैं, आ जाते हो रेफ्यूजी दे देते हैं आपको अगर नहीं आते हो तो, पर वही 20 दिन 25 दिन उसके बाद लायर करो, घूमो फिरो, पकड़े जाओ तो पाकिस्तान डिपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि ये लास्ट कुछ मंथ्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़के डिपोर्ट किए हैं, क्योंकि नॉर्थ साइप्रस से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़के डिपोर्ट किए हैं अभी इस मंथ में, या सुनने में मैं क्योंकि वीडियोस वगैरह देखता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मसले डिपोर्ट की वजह से बने हुए थे। इस कंट्री में भी सख्ती बहुत ज़्यादा थी, लड़के काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, पर अभी थोड़े बहुत मामला सेट हैं, पर अभी भी जिधर चढ़ गए आप उनके अच्छे तो वो छोड़ेंगे नहीं। उसके अलावा अगर बात करें पेपर मैरिज की, पेपर मैरिज की काफ़ी टाइम से मैंने बात नहीं की। पेपर मैरिज का ये है कि अगर आपके पास इधर पैसा है, अगर आपके पास 6,000-7,000 यूरो है, लड़की आप उसके अंदर मंगवा के उसके साथ शादी कर सकते हो। अगर शादी लड़की आपकी अपनी है तो टोटल 2,000-2,500 खर्चा आता है, अगर लड़की एजेंट वगैरह देता है तो उस पर आपका आ जाएगा तकरीबन 5-6 हज़ार यूरो लग जाते हैं, एजेंट इतना मांगते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं इधर के मौसम के बारे में, तो मौसम आप पीछे देख सकते हैं, सुहाना मौसम है, शाम का टाइम है। उसके अलावा बिल्कुल सुनसान है ये पूरा इलाका, आप देख सकते हो आयानापा, ये मेन सिटी है। इस होटल में कम से कम 150 रूम हैं, अभी इस पूरे होटल में 3 से 4 रूम लगे हुए हैं जो हैं। इसके अलावा मैन पे कुछ शॉप्स वगैरह हैं जो ओपन है, उसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें क्लोज हो गई हैं। इधर सीज़न आयानापा में, प्रोथराज में, इस तरह के सिटीज़ में जो ख़ासकर टूरिस्ट सिटी थे उनसे सीज़न फिनिश है अभी। लिमासोल, निकोसिया, लारनाका, पाफोस, ये जो बड़े सिटीज़ हैं इनमें काम वो तो 12 महीने होता है, तो अभी भी लाजमी बात होगा। तो चलें इंशाल्लाह सिटी चेंज करते हैं, आगे जिधर भी जाएंगे इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, आपके साथ कनेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक करते रहा करें, क्योंकि थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती रहती है, बंदा दिल ही खुश हो जाता है। कोई बंदे तो मैसेज करते हैं भाई, कहते हैं कि आप पता भी नहीं चलता उधर ही हो या पाकिस्तान वापस आ गए हो, इतने टाइम के बाद वीडियो वगैरह डालते हो। तो इंशाल्लाह इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। स्टूडेंट वीज़ा है जो साउथ साइप्रस का वो भी मिल जाता है और नॉर्थ साइप्रस का भी मिल जाता है। नॉर्थ साइप्रस स्टूडेंट वीज़ा की डिपोर्टेशो काफ़ी इन दिनों ज़्यादा चल रही थी, बहुत ज़्यादा लड़के स्टूडेंट्स वगैरह डिपोर्ट कर रहे थे, इसकी वजह वो कुछ ना कुछ लड़के बता रहे थे, पर कन्फर्म नहीं है क्या वजह है क्या नहीं है, या तो फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं बीच में, काफ़ी ज़्यादा लड़के होते हैं जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लीगल लेके आते हैं, रगड़े हो जाते हैं, उनके लिए बेचारों के लिए मसला बन जाते हैं, जो काफ़ी मुश्किल से पैसा जमा करके, काफ़ी मुश्किल से पैसा जोड़ के वो इधर देते हैं, पर आगे जो होते हैं दूसरे फेक वगैरह या इस तरह का कोई
एजेंट भी बाजारों में मामलात होते हैं, कुछ ना कुछ चक्कर निकाल लेते हैं। खाली उड़ने के लिए भी वो खाली एक पेज रेडी करके दे देते हैं आपको, उधर से फ्लाइट पर बिठा देते हैं, आगे कुछ होता नहीं है। साथ जो गरीब के बच्चे होते हैं वो भी रगड़े जाते हैं इस चीज़ से भी। आप सब पाकिस्तान से जो आने वाले हैं उनको पता होता है, जो इस तरह का काम करते हैं उसको पता है मैं लीगल कर रहा हूँ, इलीगल कर रहा हूँ। तो काइंडली पहले ही आप थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा कर लें, ऐसे गलत कामों में ना पड़ें, क्योंकि आप खुद भी बाद में परेशान होते हो, वहाँ पे पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। एजेंट तो ले लेते हैं, उसके बाद होता है इस तरह कि वो पैसे आप दे तो देते हो, पर एयरपोर्ट पे आपको पता चलता है कि आपके पास आपके साथ कुछ ना कोई चक्कर हो गया, स्कैम हो गया। फिर बाद में एजेंटों के पीछे भागते रहो, उनको ढूंढते रहो। इसके अलावा अगर आप साउथ से आप आना चाहते हो, साउथ से आप स्टडी वीज़ा बेस्ट है, क्योंकि इसकी वजह ये है इधर के लिए आपको आइल्स शायद ज़रूरत पड़ जाए, या कोई ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आपका चल ही जाएगा, आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। तकरीबन 5,000 यूरो, 5,500 यूरो, 4,500 यूरो, इतनी तकरीबन इस इधर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की फ़ीस है। मैंने एक बंदा स्टूडेंट ख़ुद भेजा है यूनिवर्सिटी, उसने जाकर पता किया, वो कहता है जी, वो कहते हैं हमें आप फ़ीस भेजें, हम आपको रिसिप्ट भी भेजेंगे, और आप उधर कराची जाएँ, कराची कोई इनकी एम्बेसी है क्या है चक्कर है, कराची में ही इनकी एम्बेसी है छोटी सी, उधर जाएँ, उधर से आपको वीज़ा मिल जाएगा। जब हम इधर से इशू करेंगे आपको बता देंगे, वो जितना भी प्रोसेस होता है इस बारे में, जो लड़का थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है तो वो ख़ुद भी ईजीली अप्लाई कर सकता है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के कॉन्टैक्ट होते हैं किसी भी कंट्री में, कोई अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो अपना कॉन्टैक्ट लाजमी देती है। तो इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, बात करते हैं सख्ती की। सख्ती की बात मैंने पहले भी की, अभी भी की है, पकड़े जाओ भाई नहीं छोड़ते, अगर नहीं पकड़ने होते तो आप बचाओ, काम वगैरह आपके पास है, कमा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चास ले रहे हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।